प्यारे दोस्तों, यदि हमारी हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे शेयर करें। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें एवं हम आपको पर्सनली उसका आंसर देंगे। चलिए आज का शुरुआत करते हैं पार्ट बी में खेल से संबंधित अन्य क्वेश्चन में। अब पहला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिचूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलखम को किस राज्य ने अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया है? यह है मध्य प्रदेश ने। अगला है, एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर मार्टिन। अगला है, विक्टोरिया अजालेका जानी जाती है किसके लिए? है लॉन टेनिस खिलाड़ी। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता कौन है? इसका आंसर होगा बंधु सिंह। नेक्स्ट है, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह। नेक्स्ट है, क्षत्रिय सेना में मानस लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विजेते हैं? कपिल देव। सेरेना विलियम शीर्ष स्तर की खिलाड़ी हैं। यह किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है महिला हॉकी टीम में? विजेंद्र सिंह संबंधित हैं किस खेल से? बॉक्सिंग से। अगला है, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? अर्जेंटीना की। बुला चौधरी किस खेल से सुविख्यात हैं? तैराकी से। नोवाक जोकोविक किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस से। अगला है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सा है? IOA। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? इसका सही आंसर होगा अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए? इसका सही आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ग्रीन संबंधित है चैलेंजर ट्रॉफी से। अगला है, स्टानले कप किससे संबंधित है? आइस हॉकी से। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से। वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। सुबर्तो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। 2018 फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? रूस में। नेक्स्ट है, दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो सही आंसर होगा 4 वर्षों का। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? यह 1928 में। नेक्स्ट है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो जो नाम है एक मल्लवस्त्र का। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? इसका आयोजन करता है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एशेज। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा मुक्केबाजी। अगला है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? इसका सही आंसर होगा 18। नेक्स्ट है, तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसने विश्व चैंपियनशिप का सम्मान मिला है, किसमें? निशानेबाजी में। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से हैं? इसका स्पेन है। अगला सवाल है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? मिल्खा सिंह। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? इसका आंसर होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? 1983 में, उसके बाद 2011 में। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? राजवर्धन सिंह राठौर। अगला है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार किस वर्ष में 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था? 1995 में। अगला है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू। नेक्स्ट है, प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? 1971 में। अगला है, विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा ब्राजील। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा भारत। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस
डे में हुआ, इसका होगा नेशनल स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पहले दे कुवर्तिन को। नेक्स्ट है, ओलंपिक की किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा पीटी उषा। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग कब लिया था? इसका होगा 1928 में एडिशन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, ओलंपिक